अखिलेश यादव तैयार कर रहे यूपी के अफसरों के लिस्ट निकाय चुनाव को लेकर लगाया बड़ा आरोप। सपा में ओवरहॉलिंग की भी तैयारी। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैनपुरी और बेवर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में CDO और अन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव नतीजे बदले जाने की खबर से जन आक्रोश है। इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए, जाँच कर ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इन भ्रष्ट अधिकारियों की फोटो और नाम की लिस्ट देगी। इसके साथ ही अखिलेश ने कुछ जिलाध्यक्षों से हार पर रिपोर्ट तलब कर 2024 से पहले पार्टी संगठन की ओवरहॉलिंग के भी संकेत दिए हैं। वह जल्द ही निकाय चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा करने वाले हैं। चुनाव नतीजों के बाद अब जगह जगह से प्रत्याशी चयन से लेकर भितरघात की शिकायतें पार्टी जन कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट और प्रमुख नेताओं के गढ़ में पार्टी की हार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कानपुर समेत कुछ जिला अध्यक्षों से बात करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगी है। जल्द वह संगठन पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर निकाय चुनाव नतीजों से भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संगठन में भी बदलाव की तैयारी है। इसके अलावा सपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। मुस्लिमों के समर्थन का भरोसा। वही निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने सोमवार को एक चर्चा बैठक की। राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में यह बात सामने आई कि सपा को मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है। बैठक में सपा मेयर उम्मीदवार वंदना मिश्रा मौजूद थीं।